हिंदुस्तान का इतिहास, हमारा भारत देश कितना बड़ा देश था, कौन कौन से राज्य इससे अलग हुए, सवाल तो कई है पर जवाब बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, भारत से टूटकर बने कुल 15 देश। चलिए आपको बता देता अखंड भारत का इतिहास क्या था। भारत विश्व में एक बहुत बड़ा देश था जिसमें समय के साथ साथ बंटवारे होते गए और अलग अलग देश बनते गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 15 देशों को जन्म दिया। तो चलिए कौन से वो 15 देश और अखंड भारत का क्या इतिहास, चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केडी गाइडिंग। नंबर एक, जब भारत के लोग बलूचिस्तान पहुंचे तो वहीं बस गए और इसके बाद इसका नाम इल्जियान पड़ा और उसके बाद अरबों ने यहाँ पे आक्रमण किया और अरबों यहाँ पे बस गए जिसके बाद इसका नाम ईरान पड़ा। कंबोडिया, प्रथम शताब्दी में कंबोडिया नामक ऋषि ने यहाँ इस हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, ऋषि के कारण इसका नाम कंबोडिया पड़ा और ये आगे चलकर स्वतंत्र देश बना। वियतनाम, पहले इसका नाम चंपा था, यह भारत का ही एक अंग था। 1825 में चंपा हिंदू राज्य समाप्त हो गया जिसके कारण यह स्वतंत्र देश बनने के लिए मजबूर हो गया। मलेशिया, यहाँ बौद्ध धर्म की स्थापना हिंदुओं ने की थी और यह भारत की संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए मशहूर है। 1948 में यह अंग्रेजों से अलग होकर एक अलग स्वतंत्र देश बन गया। इंडोनेशिया, यह एक समय में भारत का एक संपन्न देश हुआ करता था लेकिन हिंदू कम होने की वजह से यह एक अलग मुसलमान देश बना, लेकिन यहाँ आज भी एक राम मंदिर है और जिसपे हिंदू पूजा किया करते हैं। सिलीपंच, मुसलमानों ने यहाँ आक्रमण करके यहाँ राज्य संभाला और कई लंबे समय तक यहाँ राज्य संभालने के बाद वो उन्होंने अच्छे से अपने राज्य यहाँ पर संभाल लिया और वो धीरे से अलग हो गए। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर आज भी भारतीय रीति रिवाज बनाए जाते हैं। अफगानिस्तान, यह भारत का ही अंग हुआ करता था, यहाँ हिंदू अरबों का राज हुआ करता था जिन्होंने सिकंदर से संधि कर यह राज्य सिकंदर को सौंप दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, शकुन या गंधर यहीं के थे। भारत से अलग होने के बाद यह सांस्कृतिक रूप से भी भारत से अलग हो गया। नेपाल, यह भी भारत का ही अंग हुआ करता था, इसका एकाधिकारण गोरखों ने किया था। आपको बता दें महात्मा बुद्ध इसी राजवंश के थे और धीरे धीरे यह भारत से अलग हो गया और स्वतंत्र देश बन गया। भूटान, पहले यह भारत के बद्र देशों में से एक में से जाना जाता था और हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह 1949 में खुद को संपन्न और अलग देश घोषित कर दिया और हमारे ग्रंथों में इसका नाम त्रिविशिष्ट नाम से जाना जाता है। श्रीलंका, पहले इसका नाम ताम्रपाणी था, इससे पहले पुर्तगालियों ने और फिर अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार जमाया और 1937 में अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग कर दिया। म्यांमार, इसका नाम पहले बर्मा था और इसका प्रथम राज्य वाराणसी के राजकुमार थे और 1842 में अंग्रेजों ने इसे अपना अधिकार में लिया और 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया। पाकिस्तान, आज़ादी के बाद यहाँ कई हिंदू मंदिर थे जिसके बाद इन्होंने तोड़ दिया गया जिसके कारण हिंदुओं ने विरोध किया और उससे अलग हो गया। बांग्लादेश, 15 अगस्त से पहले यह भी भारत का अंग हुआ करता था, फिर 15 अगस्त के बाद यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाने लगा और 1971 में इस भारतीय फौज ने इसे पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। थाईलैंड, पहले इसका नाम सियाम था और यहाँ पे हिंदू राजवंश का राज हुआ करता था, फिर बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ जिसके बाद यह धीरे धीरे भारत से अलग हो गया। तिब्बत, यह हमारे ग्रंथों में त्रिविशिष्ट नाम से जाना जाता है और भारतीय शास्त्रकारों को हरा कर चीन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद धीरे धीरे चीन से भी यह अलग होकर स्वतंत्र देश बना। तो है ना असल हिंदुस्तान का इतिहास मजेदार, यह जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि इन देशों को भारत से अलग होने के बाद बुरा सपना समझ कर लोग भूल जाना चाहते हैं, पर अपने देश का इतिहास जानना भी जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करते हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले। जय हिंद।